एकदम अकेले खाओगे? कोशिश रहेगी बट वो भैया कहें खा नहीं पाएंगे। हम लोग तो पूरा पैसा दे रहे थे 6 चाट का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहने अपने 3 खा के दिखाओ। चाट किन्हें आपको नीचे बुलाया? देखिए ये बास्केट चाट है, इसको 1992 में मैंने जन्म दिया था। बास्केट चाट में कम से कम 25 आइटम पड़ते हैं। आलू टिक्की है, दही बड़ा है, पापड़ी चाट है, लेपेडी छोले हैं, तमाम प्रकार के मसाले हैं, दही चटनी है, अनार के दाने हैं, लैया है, मूंगफली के दाने हैं, सेव है, पापड़ी सूखी है और ये तांबे का तवा है। ये दुनिया में किसी भी चाट वाले के पास ये तांबे का तवा नहीं मिलेगा। कढ़ाई मिलेगा, पतीला मिलेगा, तवा नहीं मिलेगा। और इसके ऊपर कोई चाट भी नहीं बना पाता। और इसके ऊपर कंटिन्यू अगर आप चाट खा लोगे ना तो ये आंखों को चश्मा उतर जाए, इतना इसके अंदर पावर रहता तांबे के अंदर। भाई आज कौन सा दिन है? आज मैंने खट्टी टॉफी खाई है। अच्छा आज हम लोग आ गए हैं बास्केट चाट खाने रॉयल कैफे। इनके बास्केट चाट के बारे में बहुत सुना है, तो आज पता चलेगा कि ये वाकई वैल्यू फॉर मनी है कि सब ये सिर्फ हवा हवा है। ये शॉप मेन हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास है, तो चलिए अब चलते हैं। तो भाई रौनक आ गए? आज मैं हजरतगंज के मशहूर रॉयल कैफे में आया हूँ। जैसा नाम है वैसा उसका जो है फेमस भी है, तो यहाँ का बकेट चाट बहुत फेमस है। तो खाए हो कभी कि बस ऐसे ही है, हवा हवा है सब? नहीं नहीं, अभी तो हवा है, अभी हवा को हटा के आज खा के टेस्ट करेंगे, बताएंगे इतना फेमस है क्या कैसा है। तो ऋतिक से पूछा जा रहा है, मेरे साथ दो सहकर्मी है। अच्छा तो ऋतिक भाई आज से टेस्ट करते हैं रॉयल कैफे में, देखते हैं कैसा है सब कुछ। लोग बताते तो अच्छा है, करते हैं कैसा है। तो भाई अनबॉक्सिंग आज की जाएगी। यस सर। तो भाई अजय तुम क्या कहते हो? मैं पहले यहाँ खा चुका हूँ बास्केट चाट, यहाँ का सर खाया हुआ है। अच्छा खाए हो, तो कुछ बताओ उसके बारे में कैसा रहा? प्लेट बहुत भारी थी, यहाँ की खाने में टेस्टी है, देख कर खाके बताते हैं आगे। चलो भाई। तो अदनान नहीं आया अपना? ओए अदनान कहाँ रह गए भाई, कहाँ थे? बहुत ज्यादा जाम लगा, दो मेट्रो में बदलनी पड़ेगी। अरे भाई वो भी लखनऊ में दो मेट्रो? बताइए सर। बताओ यार क्या बदलनी पड़ेगी। देखिए हमारे ब्लॉग की खासियत है कि हम अपने ब्लॉग के साथ थोड़ा डोनेट करते हैं। अच्छा। तो हम लोग हमेशा देखिए गरीब बच्चा लाते हैं। अच्छा ठीक है। आज इसको हम लोगों ने जो है अपने कपड़ों में दिए। अच्छा, इसके डिजाइनर मिस्टर अजय भट्ट हैं। अच्छा अजय भट्ट से संपर्क करिए। अच्छे कपड़े पहना दिए। चलो भाई तो आज देखा जाए, अंकल को देखने आए भाई वाले बास्केट चाट। अच्छा देख लो भाई खचाखच जो है पूरी की पूरी भीड़ लगी हुई है, सब लोग बास्केट चाट ही खा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है, और हम लोग को भी लगता नहीं है कि अभी तुरंत मिलेगा। तो भाई चलो भाई चला जाए बास्केट चाट खाने। कौन कौन खाएगा बास्केट चाट? पूरा फुल खत्म करना रहेगा। फुल इधर अदनान, पूरा फुल खत्म करना रहेगा। तो भैया आज जो है देखा जाए हम लोग है टोटल 5 लोग, और देखा जाए कौन पूरा फुल बास्केट चाट खा लेता है, और जो नहीं खा पाएगा वही भैया बिल पे करे, मजबूरी में खाना पड़ेगा। भैया देख रहे हैं जैसे हम लोग ने भैया से बोला कि हमें 5 बास्केट चाट चाहिए, तो उन्होंने पूछा कि कितने लोग आप लोग हैं, तो हमने कहा भाई 5 लोग हैं, तो उन्होंने कहा सिर्फ 3 ही लिए, तो इसका मतलब क्या होता है बहुत ही हैवी होते हैं इनके बास्केट चाट। तो भाई खा के देखते हैं बाकी जो इनके बास्केट चाट हैं अच्छे होते हैं कि बस ऐसे ही सब हवा हवा है। तो भाई आज ट्राई कर रहे हैं, आज हम लोग 5 लोग हैं, पूरा रिव्यू करेंगे इनके बास्केट चाट का कि अच्छा होता है कि नहीं। ये देखिए भाई इनके जो है बास्केट चाट जो है बेहतरीन है, ये इनका बास्केट, और देखिए भाई और ये देखिए इनकी आलू की टिक्की फ्राई हो रही है। ओ भाई साहब ये तवा तो कॉपर का है। ये देखिए ये 3 हमारे बास्केट चाट तैयार हो रहे हैं, और भाई देख के ही मुंह में तो पानी आ रहा है। और ये देखिए हम लोग का बास्केट चाट तैयार हो गया है तीनों। ये देखिए भाई बास्केट चाट आ गया है। ये देखिए भाई ये तो ना इंसाफी है 4 लोग और बास्केट चाट जो है सिर्फ 3 ही आए हैं, लेकिन भैया ने जैसा बताया था कि बास्केट चाट इनके बहुत ही हैवी होते हैं। ठीक है कितने चाट थे? कितने चाट थे भाई? 3 आदमी 6 आ जाओ भैया 5 हो गए। देखो भैया टोटल हो गए 5 आदमी, तो 5 में 3 बटेगा। चलो भाई ठीक है क्या बात है भाई, वो बिल भरेगा और जो खत्म आखिरी करेगा वो बिल नहीं भरेगा। क्या कह रहे भैया फिर से बोलिए? जो खा लेगा पहले वो बिल भरेगा, जो आखिरी में खाएगा वो बिल नहीं भरेगा। ओ भैया ठीक है खाना पड़ेगा। कैफे में जो है ऊपर बैठने के लिए व्यवस्था है, बट आपको वहाँ पे सर्विस नहीं, आपको खुद लेके जाना पड़ेगा, और आपको अगर सर्विस लेनी है तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर पे। तो अभी हम लोगों ने अपना चाट ले रखा है और चलते ऊपर सुकून से बैठ के चाँपते हैं। आइए तो भैया ये देखो इनकी जो है चाट, अकेले खाओगे?
खाओगे? कोशिश रहेगी बट वो भैया कहें खा नहीं पाएंगे कोई, इसलिए हम लोग तो पूरा पैसा दे रहे थे 6 चाट का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कह नहीं अपने 3 खा के दिखाओ फिर देखते कितने बड़े भूख करो। चलो भैया अंदर चलो, फिर चलो भाई चलो, नहीं तो चाट गल जाएगी तुम्हारी। अदनान ये क्या यहीं से स्पून उठा लिए, घर से लेके आए थे क्या? अब ये हथियार है सर चाट खाने का। अच्छा हमको लगा घर से लेके आए थे। नहीं नहीं लेके आए थे भाई, अब जा रहे हैं हम लोग ऊपर खाने। ये देखिए, अरे यहाँ पे आओ, ये देखिए भाई, चलो अंदर चलो भाई। देख रहे हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, अभी भाई लोग निकल ही रहे हैं, हमको इंतजार करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। बहुत लग रहा है भीड़ है अंदर। ये इनका पूरा अंदर का एरिया है, बास्केट चाट जो है खाने जा रहे हैं ऊपर। तो सब लोग आ गए हैं बास्केट चाट खाने, स्टार्ट किया जाए? तो खा के बताओ। दही टपक रही है सर। दही टपक रही है, खा लो जल्दी। क्या हुआ, बस ऐसे ही कि कुछ है मान? जिंदगी भर जो है दोनों में चाट खाए, थाली में चाट मिला है। क्या बात है, ये थोड़ा सा अलग है। ये अलग होना, थाली का संबंध केवल दाल चावल से था, पहली बार देख रहे हैं चाट से संबंध है। भैया अदनान तुम्हारा क्या है? सही लग रहा है, बहुत जबरदस्त। चाट खाए हो कि बस दही खा रहे हो? एक टाइम का खाना हो जाएगा। सही बात। तो ऋतिक तुम्हारा क्या कहना है? टेस्ट अच्छा है। ओ भैया छोले पड़े इनकी चाट, अधिकतर हमने जो देखा चाट में मटर होता है वो पीसी हुई छोले हैं, पूरे छोले पड़े हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। वैल्यू फॉर मनी है। अरे बहुत। तुम्हारा क्या कहना है भाई? देखो हमको तो अभी धनिया दिख रहा, अनार दिख रहा है, अभी तो मुझे चाट में दही पापड़ी नमकीन धनिया अनार सब कुछ है, एकदम चटनी भी है, चटनी चटनी तो भर के। तो भैया अजय शुरुआत करो, क्यों बैठे हो? अच्छा खा रहे हैं, तो तुम भी शुरुआत करो उसी में। आपने चाट खाया तो उसमें बता सकते हैं कि क्या क्या है इसमें? आपको मिलेगी आलू की टिक्की पड़ी है, वड़ा पड़ा है और चटनी है, और ये हाजमोला है। अच्छा ये आपको चाट को डाइजेस्ट करने के काम आए। अच्छा मतलब बाद में खाना है आपको। बाकी पूरा दही से नहला रखा है इन्होंने। हाँ। बहुत अच्छा बना है, फ्लेवर बहुत अच्छे हैं, एकदम एग्जैक्ट फ्लेवर आ रहे हैं, एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फ्लेवर जो बस्ट हो रहे हैं मुँह में बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं, बहुत अच्छा बना है। तो भैया तुम तो लग रहा है आधा निपटा ही दिए। नहीं आधा नहीं है, इधर 2 स्पून है। अच्छा एकदम फैल गया राता की तरह। कहाँ, पेट में? पेट में बहुत, मतलब यूनिक टेस्ट है अभी तक। हम लोग जो है सिर्फ टिक्की मटर रहू खा के, भैया थोड़ा पानी डाल दो नमक डाल दो, वही चलता था। सारा फ्लेवर है इसमें, पता नहीं क्या क्या मिला है। भावना। अच्छा भावनाएं हैं आपकी। ओ भैया बह रही हैं। साला गाली नहीं रिश्ता। अच्छा, होता अच्छा, है। भाई आपने भी स्टार्ट कर दिया है और आपका जो रिव्यू रहता है थोड़ा सा माय ऑडियंस के लिए यूनिक रहता है, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में कि वैल्यू फॉर मनी है? टेस्ट की बात करें, टेस्ट तो डिफरेंट है ही, पैसे भी हिसाब से लग रहा है 250 रुपए है इसकी कॉस्ट, जो प्राइस की पड़ती है। खाने में टेस्ट अच्छा है इसका, बिल्कुल कहते हैं टेस्ट लिया आना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़िया है। बाकी प्राइस के साथ देखे थे तो नाम है इसका ओवर प्राइस तो है, ओवर प्राइस है बट टेस्ट अच्छा है इसका। तो देखते हुए प्राइस सही है। ये चीज़ है कि अगर ये किसी ने बास्केट खा लिया पूरे दिन भर का खाना खत्म, पूरा एक आदमी के लिए पूरा परफेक्ट है, 1%। तो भाई तुम्हारा चीज बढ़िया है, खर्चा इसमें इतना है कि असली वाले अमीरी अफोर्ड कर सकते। ओ भैया सही बताया है आपने। देख रहे यहाँ कुछ लोग जो है चाट लेके इधर उधर टहल रहे हैं। सो बिग सो टेस्टी जस्ट फील लाइक वाओ। अच्छा ओ भैया भैया हम भी खाए नहीं, रहेगा नहीं क्योंकि रौनक है ना, सब खत्म कर देगा। तो भाई हमारा भी नंबर आ गया है अब खाने का, अब हम भी खाते हैं और दही लगा के। टेस्ट यूनिक है और जैसा कि ऋतिक ने बताया था कि इसमें क्या है, आलू भी पड़ा है, मटर भी पड़ा हुआ है, छोले पड़े हुए हैं तो काफ़ी अच्छा, और टिक्की भी पड़ी हुई है। और सबसे अच्छा तो इनका हमें बास्केट जो सजावट लगा वो काफ़ी अच्छा लगा हमें। भाई अब हम बोलेंगे नहीं, हम खाएंगे। उनको पता नहीं था कि यहाँ हम लोग यहाँ कैफे में, हम लोगों ने 6 चाट ऑर्डर की तो मना कर दिया, भैया खा नहीं पाएंगे आप लोग, 3 लीजिए 3 पर खा के दिखाइए। उनको पता नहीं था ये रात के निशाचर प्राणी है सब वो एक देश चढ़ जाएंगे, ये तो चाट है, ये देखा जाता है। हमने वीडियो बना रहे पहले साफ कर दिए। फ्लेवर बहुत अच्छे हैं सर इसके। ये देखो भैया पहुंच गए, इधर देखिए इनका प्लेट ये है, खत्म कर दिया। बाप रे ये पूरा बड़ा बास्केट खत्म कर दिया आपने। पिछले जन्म में रेगिस्तान में सुबह भूखा भूखा मर गया था। सही कह रहे हो। ये देखिए यहाँ भी पहुंच गए हैं खाने, बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत जबरदस्त। भाई कुछ भी हो भगवान हमको जो है ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि गरीब बच्चे को खिला रहे हैं। ये बकेट चट नाम से है ना, कि जो सेप है जिसमें ये देते हैं, ये पापड़ी का जो है बाउल शेप रहता है, इसलिए देखिए ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं शेप, इसलिए इसका प्रोडक्ट नाम पड़ा है। और
खट्टा मट्टा फ्लेवर है इसका, हाजमोला चटनी भी है, मस्त मजेदार है। आप अगर लखनऊ आइए, हजरतगंज आइए, तो फेमस है, जैसे नॉनवेज में आपका टुंडे कबाब है, तो वेज में बकेट चाट फेमस है, या तो आप आइए ट्राई करिए, आपको पसंद आएगा, सबके अपना फ्लेवर टेस्ट होता है। और हजरतगंज यानी प्राइम प्लेस पे प्राइम कैफे है, रॉयल कैफे फेमस है, प्राइम है तो दाम तो महंगा रहेगा। ये देखिए भैया खा के हो गए ढेर चीज से, बहुत बढ़िया मजा आ गया खा के एकदम सर। मैं मतलब समझ लिए खा के आया था, फिर भी मैंने समझ लिया, ये अपनी चाट भी खाई और ऋतिक की भी मदद कराई, ये मदद कह सकते हैं इसे। ये देखिए ऋतिक की जो है प्लेट ख़त्म हो गई और ऋतिक ने मुंह पोछ लिया है, और ये देखिए पानी की बोतल भी है, रूह अफ़ज़ा है इसमें। ये भैया ये जो है डाइनिंग का है और इसकी बुकिंग करनी होती है बैठने के लिए है। तो भाई ख़त्म कर दिया सब खत्म एकदम पूरी फिनिश। और होता तो और खाते, और होता और खाते, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। तुम क्या हुआ? तो वो बास्केट, यहाँ बास्केट बन गया। ओ भाई इसका मतलब तुम्हारा पेट भरा है? नहीं भरा वरा कुछ अभी नहीं भरा है, निपटा देता हूँ, साचा प्राणी है, लेकिन हम लोग और चीज खाना है अभी, और भी और भी खाना है, ये सब हल्के में ले रहे थे। अच्छा हल्के में ले, तुम्हारा क्या भाई? खाली है सर। फाइनल रिव्यू क्या है बास्केट चाट के बारे में? सर मतलब बास्केट चाट तो इसका बढ़िया है, यूनिक है, जैसा मैंने बताया प्राइस के हिसाब से अफोर्ड कर सकते हैं जो लोग, बिल्कुल ठीक है, बट मैं कहूँगा टेस्ट मामले में बढ़िया है, यूनिक है। और भाई तुम्हारा क्या कहना है? एक नंबर, मजा आ गया सर, चाट खाई, चाट का स्वाद है सर, जो कहते हैं मतलब दही का स्वाद ऐसे लगा था लखनऊ ना कुछ खाया है। और बहुत पहले यहाँ का चिकन सूप मुझे बहुत पसंद है। अच्छा तो कभी यहाँ चिकन सूप भी मिलता है? हाँ। नहीं भैया इधर जो है बताया था ना 40 days सबको नॉनवेज नहीं खाना है, जो है हम लोग जो है अभी डाइटिंग पे हैं नॉनवेज के लिए। चाट किंग ने आपको नीचे बुलाया, मिलने चलते हैं चाट किंग से। ये हजरतगंज की शान है, अवध की शान है, चाट किंग नाम से अंकल जाने जाते हैं, और आप इनकी रील बहुत देखे होंगे, बहुत वायरल है ये, तो आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं अपने चाट के बारे में, ये अपने आप में एक ब्रांड है चाट के। तो आपके लिए थालियां मजाई है? नहीं दाड़ी हमारी दाड़ी मैचिंग कर रहे हैं, उम्र का फर्क है, इस कुछ पड़ाव आप इस पड़ाव हम है, हमारी वाइट हो गई, लोग गाली देंगे तो सोचेंगे बुढ़ा तुमको छोड़ेगा नहीं कोई। तो अंकल थोड़ा सा चाट के बारे में बताएंगे, क्या क्या यहाँ चाट में आप डालते हैं क्या क्या? यहाँ देखिए ये बास्केट चाट है, इसको 1992 में मैंने जन्म दिया था। अच्छा ठीक है जी। और इसके अंदर 25 सैटर पड़ते हैं ठीक है जी। और ये तांबे का तवा है। अच्छा ये दुनिया में किसी भी चाट वाले के पास ये तांबे का तवा नहीं मिलेगा, कढ़ाई मिलेगा, पतीला मिलेगा जी, तवा नहीं मिलेगा, और इसके ऊपर कोई चाट भी नहीं बना पाता, बहुत जड़ीला होगा ना वही चाट बना पाएगा, और इसके ऊपर कंटिन्यू अगर आप चाट खा लोगे ना तो ये आंखों को चश्मा उतर जाए, इतना इसके अंदर पावर रहता तांबे के अंदर। लोग पूछते तुम्हारा क्यों नहीं उतरा, क्योंकि हम चाट खाते नहीं भाई। अच्छा। हम दाल चावल खाते है ना, बहुत सारे कमेंट करते हैं यार दुनिया का चश्मा उतारते तुम्हारा क्यों नहीं उतरा, भाई हम चाट नहीं खाते, हम दाल चावल। तो ये तांबे कवा है, कहा तो थोड़ा तुमको टेस्ट करा दे। नहीं नहीं हम लोग अभी खा चुके हैं, हम लोग खा के आए हैं अभी। अच्छा। थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ते हैं बास्केट चाट में? बास्केट चाट में कम से कम 25 आइटम पड़ते हैं, आलू टिक्की है, दही बड़ा है, पापड़ी चाट है, लेपेटी छोले हैं, तमाम प्रकार के मसाले हैं, दही चटनी है, अनार के दाने हैं, लैया है, मूँगफली के दाने हैं, सेव है, पापड़ी सूखी है, तो लगभग कम से कम डालते जाते। अरे बदनाम कर डाला चाट खा खा के भाई। ब्रांड बन गया है चाट की। और बिल्कुल वैसे इनकी मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी कि सोशल मीडिया पे आ गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारी वाइफ बहुत चिल्लाती है, हमारी वाइफ चिल्लाती कहाँ से पंगा ले लिया, अच्छी खासी जिंदगी थी। पंगा क्या, बोले बोरा भर के पैसा आएगा। पैसा तो पहले से बोरे भरे थे, बोरा भर जाएगा क्या दिक्कत, अब आप आ गए जिंदा मिल गए, इससे बड़ा गार्ड नहीं। नहीं ये देखिए कितना अच्छा है कि नए नए लोग आपसे लोग मिलने के लिए उत्साहित रहते हैं, हम जिंदा लोगों से मिलने के यही हमारी अमानत है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं जी जी, आप आए इससे बड़ा हमारे आज जीवन में गार्ड गिफ्ट नहीं है। नहीं वही हमने इनसे कहा कि अंकल हमेशा जो है दोपहर में दिख जाते हैं, आज देखो हम लोग खाने आए हैं तो आज दिखे ही नहीं है। मेरी सेल्फी टाइमिंग है 6 बजे से 8 बजे तक। अच्छा अच्छा, सिर्फ सेल्फी टाइमिंग देने के लिए। अच्छा ये बढ़िया है, 2-3 हजार लोग लेंगे उसके बाद हम रफ्तार चलाएंगे। ये बढ़िया है। और आपके एक चीज और बताना चाहेंगे, आपकी जो गाड़ी है उसके बारे में बहुत सुन रखा है मैंने कि शायद मैंने भाई आज छुपा दिया। अच्छा आज छुपा दिया, गाड़ी यहाँ लाएंगे ना
तो बड़ा हंगामा हो जाता। अच्छा। उछल कूद मार जाते। पहले हम घर से निकलते थे तो यहाँ से आने में हमको 15 मिनट लगता था। अच्छा। अब गाड़ी लाते हैं कभी कभी ओपन तो 2 घंटे लग जाता। ओ भाई, अभी सिंगल पे लोग रोक लेते हैं, अरे अंकल 1 मिनट की तो बात है, हो जाए। अब नहीं तो भाई नाराज हो जाता। मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो है। और हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हर कोई जिंदा मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जीवन के यही समझ लो कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब हो गया है सेल्फी टाइम। हम लोग की जो है पार्टी हो गई खत्म, अब सभी लोग घर जा रहे हैं अपने अपने। तो भाई आज कौन सा दिन है? आज मैंने खट्टी टॉफी खाई है। अच्छा नहीं दी भाई, मैंने पूछा दिन कौन सा है। बैगन बैगन। चलो भैया फिर सब लोग अपने अपने घर निकला जाए। अब तो रात का खाना खाओगे नहीं? तुम्हारा तुम तो खाओगे। अच्छा, अरे भैया ये बिल्कुल सही बोला, चाट किंग ने सही बताया था, अगर रेगुलर चाट खाते हैं तो आपकी जो है चश्मा हट जाएगा। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, मैं जेब में रख लेता हूं। चलो भाई चलते, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।